चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली बहुत ही टेस्टी कुंदरू की सब्जी, जिसे बहुत लोग तेंगले या फिर टिंडोरी भी कहते हैं। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रेसिपी को पूरी देखिएगा, पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो कुंदरू की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम कुंदरू ले लिए थे, जिसे मैंने पानी से धो के अच्छे से साफ करके इसको कपड़े से पोंछ के क्लीन कर लिया है। और इसके बाद मैंने कुंदरू को इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में कट कर लिया है। आप कुंदरू को अपने हिसाब से कैसे भी छोटा पतला मोटा कट कर सकते हैं। यहाँ पे कुंदरू कट के रेडी है, इसे रखते हुए साइड में चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन गर्म करें रखेंगे, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है। आप जो भी तेल खाते हो, जो भी तेल आपको पसंद है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में मैंने इसमें आधी चम्मच राई के दाने, आधी चम्मच जीरा ऐड कर दिया था, और साथ में मैंने करी पत्ते ऐड कर दिए थे। सारी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद मैंने 1 बड़े साइज के प्याज को फाइनली चॉप करके, बहुत ही बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। और प्याज को हमें हल्का भून लेना है, प्याज का सिर्फ कच्चापन दूर करना है, प्याज को जलाना या बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 1 ही अदरक के टुकड़े को दरदरा सा पीस लिया है। इसका मैंने ठेचा बना के रेडी कर लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैंने इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके कुछ सेकंड के लिए भूनते हुए हाई फ्लेम पे पका लिया। अब यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची सारा जो है ना, ये इसका कच्चापन हमने दूर होने तक इसे पका लिया है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने स्लो करके कुंदरू को इसमें ऐड कर दिया है, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए कुंदरू को हमें 3 मिनट तक हाई फ्लेम से लो फ्लेम तक पकाना है, ताकि कुंदरू अच्छे से, जो प्याज वगैरह हमने इसमें डाला है, जो ठेचा डाला है, वो सारी कोटिंग कुंदरू पे हो जाए। और इसके बाद हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। बीच बीच में 1-2 बार इसे हम मिक्स करते रहेंगे, ताकि जो हमारी कुंदरू है ये जले नहीं और बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैंने कुंदरू को ढक दिया था, इसे ओपन करके फिर से मैंने मिक्स कर लिया है। कुछ मसाले इसमें ऐड कर देते हैं, जिसमें मैंने हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। मसाले सारे मैंने बेसिक वाले, जो घर पे हम डेली वाले मसाले यूज़ करते हैं, वही ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें अभी एक खास इंग्रेडिएंट डालना बाकी है, जो कि मैं लास्ट में ऐड करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरी देखिएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, मैंने मसालों को अच्छे से कुंदरू में मिक्स कर दिया है, और इसे मैंने ढक दिया है। ढकने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम इसे ढक करके पकाएंगे। बीच में 1-2 बार ओपन करके इसे मिक्स करते रहेंगे, ताकि मसाले हमारे जले ना। अब यहाँ पे कुंदरू की सब्जी वैसे तो पक के रेडी है, पर इसे हम थोड़ा सा और सॉफ्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच गरम पानी डाला है। मतलब टोटल मैंने आधे कप से थोड़ा कम इसमें गरम पानी ऐड कर दिया है। गरम पानी ऐड करने के बाद अच्छे से हमें कुंदरू को मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद ढक देंगे। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इसके बाद फिर से उसे ओपन करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें खास चीज़ डालेंगे, जिससे ये कुंदरू की सब्जी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे तो इसमें अचार का मसाला ऐड कर सकते हैं, या आप चाहे तो जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है ना, आमचूर पाउडर, वो इसमें आधी चम्मच ऐड कर दें। इससे जो कुंदरू की सब्जी है उसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है, और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आमचूर पाउडर यूज़ करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर गैस का फ्लेम बंद कर दें। भाजी को 2 मिनट के लिए ठंडा हो जाने दें, फिर गर्मा गर्म सर्व कर लें। बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप अपने घर पर इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा।